राजमा बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज टमाटर, 1 प्याज, 7-8 लहसुन की कलियां और अदरक का टुकड़ा। अब हम प्याज, अदरक और लहसुन को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे और टमाटर को अलग ग्राइंड करके प्योरी बना लेंगे। 1 कप राजमा रात भर भिगोकर रखा हुआ था, अब इनको हम 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे और पानी निकाल देंगे। अब हम एक कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे, उसमें 2 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून जीरा और ग्रेटेड अनियन की जो हमने प्योरी बनाई थी उसको डाल देंगे और 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे जब तक कि प्याज का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अब इसमें चॉप की हुई हरी मिर्च डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून हल्दी डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए और सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब आप इसमें टमाटर की प्योरी डाल दीजिए जो हमने अपनी ग्राइंड करके बनाई थी और इसको अच्छे से मिलाइए और कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। मसाले को धीमी आंच पर पकने देंगे, जब ऑयल ऊपर दिखने लगेगा तब हम 1 टेबलस्पून इसमें नमक डालकर इसको स्टिर करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, हम इसमें अपने सूप्ड जो हमारे राजमा थे उनको डाल देंगे और राजमा में अभी पानी नहीं डालेंगे, मसाले के साथ ही इसको अच्छे से मिलाएंगे और 4-5 मिनट के लिए हम इसे मसाले के साथ ही पकने देंगे। इससे क्या होगा, हमारे राजमा जो है मसाले के साथ सॉफ्ट होएंगे तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। बाद देखिए हमारा मसाला जो है नीचे लगने लगा है बर्तन में, तो हम अब इसमें पानी डाल देंगे। इसी स्टेज पर हमें पानी डालना है, तो हम 5 कप पानी डालेंगे क्योंकि हमने 1 कप राजमा लिया। पाँच कप पानी डालने के बाद हम कुकर की लिड लगा देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 विसल आने देंगे। 3 विसल आने के बाद हम कुकर का ढक्कन ओपन करके देखेंगे, अगर राजमा हमारा पक गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं पका होगा तो हम उसको 5-7 मिनट के लिए ओपन लिड के साथ ही पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। राजमा पक चुका है, अब इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे। मैंने कस्तूरी मेथी को थोड़ा सा तवे पर भून लिया था, तो आप भी थोड़ा सा भून कर उसको क्रश करके डाल दीजिए। फिर 1 चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 4-5 मिनट के लिए बॉयल आने के लिए छोड़। राजमा की कंसिस्टेंसी अब अच्छी हो गई है, अब इसमें धनिया के पत्ते डाल देंगे और इसको चावलों के साथ एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको राजमा की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।